आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। धनबाद के गोविंदपुर के प्रखंड कार्यालय में आज गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी गोविंदपुर संतोष कुमार के अलावा अनेक पंचायत के मुखिया, प्रमुख, उपप्रमुख एवं स्वयं सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो मौजूद रहे। इस ठंड को देखते हुए गरीबों की संख्या बहुत अधिक हो गई। सब लोग विश्वास में थे कि विधायक जी उन लोगों को कंबल उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने विश्वास कायम रखते हुए ऐसा किया भी। खाद्य सामग्री के मुद्दे पर संवाददाताओं के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जब डबल इंजन की सरकार थी तो किसी को खाद्यान्न की कमी नहीं होती थी, परंतु अभी कमी हो रही है। फिर भी अपने स्तर से वह प्रयास करेंगे कि इस समस्या का समाधान हो और सभी को खाद्यान्न प्राप्त हो। सामान्यतः देखा जाता है कि सरकार जितनी भी कम्बल उपलब्ध कराती है वो कम पड़ जाते हैं, तो आज का कार्यक्रम क्या है, क्या पर्याप्त है? आज इस ठंड ठंड को देखते हुए और इससे ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जो गर्मी कपड़े के अभाव में ठंड के मार झेल रहे हैं, वैसे लोगों के लिए, वैसे ज़रूरतमंद परिवार वालों के लिए, वैसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए आज इस कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया। जियलगढ़ा पंचायत में भी आज से चार दिन पूर्व कंबल वितरण किया गया था और आज प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने कहे थे कि पूरे प्रखंड स्तरीय जरूरतमंद लोगों को बुलाकर कंबल आ जाए, और आज उसी कड़ी में कंबल वितरण हो रही है और आगे भी हर जरूरतमंद लोगों को मुहैया कराया जाएगा, लोगों को मिले, इस दिशा में प्रखंड विकास पदाधिकारी। एक सर महत्वपूर्ण मुद्दा था कि राशन कार्ड को लेकर इसका अभियान चल भी रहा है, लोग परेशान हैं, तो उसमें गरीबों को अभी तक आना नहीं पा रहा है, इसके लिए लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं, बताइए कि क्या व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, जहां खाद्यान्न की बात है, जन वितरण प्रणाली जिस प्रकार से पूर्व में डबल इंजन की सरकार चल रही थी और उस सरकार में लोगों को जरूरतमंद योजनाओं का लाभ जो प्राप्त हो रही थी, अभी इस सरकार में कई नियाँ आई है, कई योजनाओं में शिथिलता आई है और जन वितरण व्यवस्था में भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है, सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे लोग जो अपने खाद्यान्न को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं, जो भी खामियां हैं विभाग को सचेत होकर आम लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करवानी चाहिए और इस दिशा पर निश्चित रूप से ये खामियां हैं, इस खामियां को दूर करने के लिए सरकार के समक्ष बात को रखने का काम करें।